आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को है ना रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट किया जा सकता है कैसे, देखिए इसके लिए आपको ना सबसे पहले मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग के पेज में आपको जो है ना नीचे की तरफ आना है। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग पे आपको टैप करना है। ठीक है, अब देखिए इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है ना, इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, इसे आपको टैप कर लेना है। ठीक है, अब देखिए पेज आता है, इस पेज में आपको ना सबसे ऊपर ये शॉर्टकट जो ऑप्शन है इसके ठीक सामने बटन दे रखा है, इस बटन को टैप करके ऑन करना है। ठीक है, तो इस बटन को टैप करने ऑन करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए जैसे मैं इस बटन को ऑन करूंगा ना, तो मेरे मोबाइल फोन के बॉटम साइड पे सबसे नीचे यहाँ पे कोने में ना एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का एक बटन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस बटन को देखिए टैप करता हूँ तो आपका एक है ना पेज आएगा, ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का, इस पेज में आपको इसे ओके कर देना है। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकट के सामने वाला बटन ऑन हो गया और मेरे मोबाइल फोन के बॉटम साइड पे देखिए ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का एक बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोने में। ठीक है ना, तो देखिए जो बटन है ना ये मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देखिए सभी जगह आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसका इस्तेमाल ना कभी भी किसी भी वक्त आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको करना यह है, ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन है ना इसे आपको टैप करना है। ठीक है, आपका इस तरीके से पेज ओपन होता है, इस पेज को अपना लेफ्ट और राइट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब आपको करना यह है कि इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है पावर का, पावर का ये ऑप्शन आपको टैप कर लेना है। ठीक है, तो इसे टैप करेंगे पावर पे तो आपका ये पेज आएगा। इस पेज में आपको ये बीच में व्हाइट वाला बटन है ना, इस व्हाइट वाले बटन को उंगली से दबा के रखना है और ऊपर की साइड जो रीस्टार्ट लिखा हुआ है रीस्टार्ट की तरफ सरका देना है, ऐसे ड्रैग कर देना है ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होगा, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि फोन आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट करने का तरीका। ठीक है।